नमस्ते दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं आपका ही चैनल फैंटेसी विनर पर। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में जो मैच खेला जाएगा। स्टार्ट करने से ही बताना चाहूंगा कि जो जो भाई ने फर्स्ट लाइक और फर्स्ट कमेंट कर दिया है वो भाई फैंटेसी विनर की तरफ से टोटल जीत चुका है। जो फर्स्ट कमेंट किया वो भी जीत चुका है भाई 70 रुपये, जो सेकेंड किया वो भी 70 रुपये, जो थर्ड कमेंट किया वो भी जीत चुका है 70 रुपये टोटल की वो एक अमाउंट। अगर फर्स्ट लाइक और फर्स्ट कमेंट कर दिया तो सभी लोग 70 रुपये करके टोटल 3 लोगों को देता हूं। तो देर ना करते, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जैसे मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं गिव अवे में आप पार्टिसिपेट कर पाओ। फिलहाल के लिए हम लोग जो किस किस टॉपिक पर बात कर लेंगे बता देता हूं। वेन्यू, स्टैट्स, हेड टू हेड रिपोर्ट, प्लेयर बैटल, कैप्टन वाइस कैप्टेंसी और स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। उससे पहले बताना चाहूंगा, आप भी अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट किया जाता है फुल एंड फाइनल टीम कॉम्बिनेशन। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है, तो जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और हाँ, और एक चीज बता देता हूं, अगर आप अपना लॉस कवर करना चाहते हो तो माई मास्टर 11 एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। अब माई मास्टर 11 एप्लीकेशन को क्यों मैं लॉस कवरिंग एप्लीकेशन बोलता हूं वो आपको आगे चलकर पता चल ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए प्रेडिक्शन स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले और एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी जो हम लोग सीधा प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेडिक्शन की तरफ जैसे बढ़ेंगे आपको वेन्यू देखने को मिल जाएगा। वेन्यू कहां पर होने वाला है? वेन्यू जो होने वाला है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में ये मैच होने वाला है। इस मैच का अगर एवरेज स्कोर की बात करेंगे, एवरेज स्कोर जो है 170 से लेकर 185 के आसपास देखने को मिल जाएगा। ये पिच जो है हाई स्कोरिंग पिच है और इस ग्राउंड पर कुछ प्लेयर ऐसा है जो बहुत ही तगड़ा खेलता है। कौन कौन है आगे चलकर पता चलेगा। फिलहाल के लिए टाइम जो होने वाला है 7:30 बजे ये मैच होने वाला है, यानी कि 7:05 तक लाइनअप आ जाएगा और 7:15 या 20 तक जो है आप लोगों को फुल एंड फाइनल टीम कॉम्बिनेशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस ग्राउंड पर स्पिनर ने निकाला 28 विकेट, पेसर ने निकाला 14 विकेट लास्ट 4 मैचों के अंदर। फिर यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट ने जीता है भाई 40% टाइम और बैटिंग सेकंड ने जीता है 60% टाइम, यानी कि चेजिंग करना थोड़ा सा आसान होता है। और ये जो ग्राउंड है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का होम ग्राउंड है। फिलहाल के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है कि इस ग्राउंड पर कब कब और कैसे कैसे मैच हुआ था। तो जैसे ही बात करेंगे, यहाँ पर 22 सितंबर को यह मैच हुआ था जहाँ पर इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था। इंडिया ने 134 किया था जो कि साउथ अफ्रीका आराम से जीत गया था 1 विकेट के साथ। पेसर ने निकाला था 6 विकेट और स्पिनर ने 3 विकेट। यहीं पर बात करेंगे हम लोग किसके तरफ से, मुंबई इंडियंस और आरसीबी का मैच हुआ था इसी ग्राउंड पर 2 अप्रैल 2023 को, यानी कि अभी हुआ था, जहां पर पेसर ने निकाला था 5 विकेट और स्पिनर ने निकाला था 4 विकेट। तो कहीं ना कहीं यहां पर स्पिनर का से ज्यादा पेसर का आंकड़ा थोड़ा सा ज्यादा मिलने वाला है क्योंकि ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है टेलीग्राम चैनल के लिंक के ऊपर, क्योंकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर देकर रखा है और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर भी देकर रखा है। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना चाहिए। और अगर इन बाय चांस आपका लिंक काम नहीं करता है तो आप सीधा ये वाला सर्च कर सकते हो, @fantasywinner सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका अपना ही फैंटेसी विनर का चैनल जहां पर आपको प्रोवाइड किया जाता है फुल एंड फाइनल टीम कॉम्बिनेशन। तो देर ना करते, जल्दी जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। लिंक कहां कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर मिलेगा। अगर इन बाय चांस ये दो भी काम ना करे, ये सर्च कर लेना। अगर ये सर्च करने से भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, लिंक नीचे है, तो वहां से आपको इंस्टाग्राम पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक। फिलहाल के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है? माई मास्टर 11। अब माई मास्टर 11 क्यों लॉस कवरिंग एप्लीकेशन है अभी पता चल जाएगा, क्योंकि माई मास्टर 11 पर आपको प्रोवाइड किया जाता है हर रोज 50,000 का फ्री गिव अवे फैंटेसी विनर की तरफ से। और अगर आप ये रेफर कोड यूज करोगे शकील44 तो आपको मिल जाएगा आराम से फ्री में। अब फ्री में कैसे, जैसे ही आप माई मास्टर 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे आपको मिल जाएगा 200 रुपए का रियल कैश। और उसके साथ साथ अगर आप मेरा रेफर कोड यूज करते हो तो हर रोज 5 टीमों के साथ माई मास्टर 11 में फ्री गिव में कॉन्टेस्ट खेलने का मौका मिल जाएगा। 5 टीम 50 करके पकड़े तो 250 रुपए, यानी कि जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपको टोटल जो है कितना रुपए का मुनाफा होने वाला है, 450 रुपए का मुनाफा होने वाला है पहला दिन ही। और अगर आप इसको कंटिन्यू खेलना चाहते हो तो कंटिन्यू जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा 5 टीमों के साथ
ग्रैंड लीग खेलने का मौका फैंटेसी विनर की तरफ से अगर आप ये रेफर कोड यूज करते हो तो सकिल 44। फिलहाल के लिए हम लोग देखेंगे, अगर आप पैसा देकर खेलना चाहते हो तो भी आपके लिए ऑफर है। अगर रेफर कोड यूज करते हो 1000 तक डिपॉजिट करोगे 7% रियल कैश, 10000 तक करोगे 6% रियल कैश, 10000 से लेकर 1 लाख तक करोगे 5% और 1 लाख से लेकर 10000 तक करोगे तो 4%। तो ऐसा करके कोड भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जरूर से जरूर माई मास्टर 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। फिलहाल के लिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है, इस ग्राउंड पर अभी कौन कौन सा प्लेयर अवेलेबल होने वाला है और कौन कौन सा नहीं होने वाला है, देखो यहाँ पर देख लो आप लोग, इसको उतना भी बताना कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। क्विंटन डिकॉक अवेलेबल होने वाला है और यहाँ पर कुछ रिप्लेसमेंट हो सकता है, स्टोनिस की जगह पर सेफर्ड आ सकता है। और यहाँ पर जो है उतना खास तरीके से साउथ अफ्रीकन का पूरा बॉलर जो है अवेलेबल है यहाँ पर से, और कुछ मुझे तो खास इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हसरंग अवेलेबल हो सकता है और कोई खास मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैक्सवेल ब्रैसवेल के ऊपर थोड़ा सा रिप्लेसमेंट हो सकता है। फिलहाल के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है उसके ऊपर देख लेंगे, जो प्रिडिक्शन होने वाला है। तो पहले हम लोग बात कर लेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है विराट कोहली 97% सिलेक्शन, बस 3% छोड़कर, प्लेयर ही ऐसा है। लास्ट दो मैच में 82-21, बढ़िया खिलाड़ी है, टीम में शामिल करके रखो। कैप्टन वाइस कैप्टनसी दोनों तरफ आप विराट कोहली को चुन सकते हो। फैफ डुप्लेसिस 96% सिलेक्शन, लास्ट मैच में 73-28 और 23 रन किया था। नेक्स्ट मैच में ग्रैंड लीग में पिक करो, कैप्टन वाइस कैप्टन से भी प्रेफर कर सकते हो। ब्रेसवेल की अगर बात करें 71% सिलेक्शन, लेफ्ट आर्म बैट राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 19 के साथ 1 विकेट और 1 विकेट। नेक्स्ट मैच में ब्रेसवेल एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर होने वाला है, तो ब्रेसवेल को अपना टीम में शामिल करके कैप्टन वाइस कैप्टन से भी लगा सकते हो, ट्रम्प कार्ड प्लेयर साबित हो सकता है। ग्लेन मैक्सवेल 51% सिलेक्शन है, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स 12 के साथ 0 विकेट 5 रन, बढ़िया खिलाड़ी है, इस ग्राउंड पर भी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है लेकर चलो। दिनेश कार्तिक 17% सिलेक्शन, थोड़ा भाई नीचे बैटिंग करने आता है। अगर बेंगलुरु का टीम पहले बैटिंग करता है तो दिनेश कार्तिक को अपना टीम में शामिल करना, अदरवाइज ड्रॉप करके चलना। सहवाज अहमद खास इंपॉर्टेंस मेरा नजर में है नहीं, हर्षल पटेल को टीम में शामिल करके रखो, 21% सिलेक्शन, 1 विकेट 1 विकेट। कोई भी बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन से मत ट्राई करना इस मैच पर। आकाशदीप 1 विकेट 0 विकेट ले सकते हो। क्या होगा ना कि सब लोग सोचेगा कि अच्छा बॉलर को मारने से अच्छा है कि बुरा बॉलर को मारे, और आकाशदीप जो उतना भी बुरा नहीं है तो इसके मारने के चक्कर में विकेट जो है यही लेकर जाएगा, जैसा कि देशपांडे के में हुआ था चेन्नई के मैच के दिन। तो डेविड विली देखने को मिल जाएगा, उसके बाद बढ़िया बॉलर है, बैटिंग भी बहुत बढ़िया कर लेता है, तो डेविड विली को अपने टीम में जरूर शामिल करके रखना। मोहम्मद सिराज सभी लोग जानते हैं ओपनिंग में अच्छा विकेट निकाल लेता है, लेकिन ये पिच बैटिंग होने के कारण थोड़ा सा मोहम्मद सिराज को भी विकेट निकालने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। करण शर्मा अच्छा स्पिनर है, लेग ब्रेक है, और यहाँ पर 2 विकेट 2 विकेट लास्ट दो मैच में निकाला है। तो करण शर्मा जो है हर एक मैच में विकेट लेता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा, तो करण शर्मा को भी अपना टीम में शामिल करके रख लेना। फिलहाल के लिए जो और परसेंटेज भी बहुत ही कम है, 33 है, तो लेकर चलना। ग्रैंड लीग पर भी ले सकते हो, स्मॉल लीग पर भी ले सकते हो। फिलहाल के लिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, यानी कि इन दोनों के बीच टोटल दो मैच हुआ है और दोनों के दोनों मैच जो है आरसीबी ने जीता है। अब देखेंगे कि लखनऊ के अगेंस्ट में किसका कैसा परफॉर्मेंस है और किसका कैसा वेन्यू में ग्राउंड, मतलब इस वेन्यू में परफॉर्मेंस है। विराट कोहली दो मैच में 25 रन निकाला लखनऊ के अगेंस्ट में, और 90 मैच में 2088 रन है इस ग्राउंड पर। एवरेज निकालने के लिए जाओगे तो कितना करके गिरेगा पता है, 100 मैच में अगर 2000 हुआ फिर भी 20 करके एवरेज निकल जाएगा, है ना, तो समझ रहे हो। फाइव डुप्लेसिस का देखेंगे तो दो मैच में 96 रन किसके अगेंस्ट में, लखनऊ के अगेंस्ट में, 6 मैच में 195 रन इस ग्राउंड पर। दिनेश कार्तिक दो मैच में 50 रन लखनऊ के अगेंस्ट पर और 23 मैच में 278 रन इस ग्राउंड पर। ग्लेन मैक्सवेल दो मैच में 32 के साथ 1 विकेट, 9 मैच में 190 के साथ 4 विकेट। ब्रेसवेल का अगेंस्ट में मैच नहीं और 1 मैच में 1 विकेट इस ग्राउंड पर। सहवाज अहमद दो मैच में 26 रन के साथ 0 विकेट, 1 मैच में 0 विकेट। करण शर्मा का नहीं है, 5 मैच में 10 विकेट निकाला है करण शर्मा इस ग्राउंड पर। तो करण शर्मा यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस नजर आ रहा है, क्योंकि 5 मैच में 10 विकेट निकाला, यानी कि हर मैच में 2 विकेट करके मिलता आया हुआ है। इनफैक्ट नेक्स्ट दो मैच में, लास्ट दो मैच में भी करण शर्मा ने 2 विकेट करके निकाला है। तो करण शर्मा हम लोगों के लिए एक अच्छा खासा पिक बन जाएगा। हर्षल पटेल दो मैच में 3 विकेट निकाला है लखनऊ के अगेंस्ट में और 18 मैच में 12 विकेट निकाला इस ग्राउंड पर, यानी कि इस ग्राउंड पर जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं हर्षल पटेल का पिटाई होता हुआ। मोहम्मद सिराज की अगर बात करेंगे तो 2 मैच में 2 विकेट और 10 मैच में 9 विकेट निकाला है मोहम्मद सिराज ने इस ग्राउंड पर। अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से बात करने के लिए। तो जैसे हम लोग लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से बात करेंगे, आपको पहले देखने को मिल जाएगा ओपनिंग में राहुल एंड मेयर्स, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट लेफ्ट आर्म बैट, 20-35-13 के साथ 0 विकेट, उससे पहले 53 के साथ 0 विकेट, बढ़िया खिलाड़ी है दोनों ही। राहुल का फॉर्म अभी कुछ सही नहीं चल रहा है, लेकिन मेयर्स बढ़िया ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहा है, तो मेयर्स जो है अच्छा खासा ऑप्शन हो जाएगा कैप्टन वाइस कैप्टनसी का। राहुल थोड़ा सा रिस्की चॉइस में जाएगा। दीपक हुडा जो है नेक्स्ट मैच के लिए ट्रम्प कार्ड होने वाला है, तो दीपक हुडा को अपना टीम में जरूर से जरूर शामिल करके रखना।
लास्ट दो मैच में 17-2 और 7 खास इंपॉर्टेंस नहीं होने वाला, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन से जो आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग के लिए, कुणाल पांड्या 82% सिलेक्शन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 9 के साथ 0 विकेट 34 के साथ 3 विकेट। कुणाल पांड्या नेक्स्ट मैच में अच्छा इंपॉर्टेंस हो सकता है, रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि कुणाल पांड्या के अगेंस्ट में जो भी बॉलर रहे मतलब बैट्समैन है सबके सब राइट ही है, तो कुणाल पांड्या जो है नेक्स्ट मैच पर भी तहलका मचा सकता है। मार्को रिस्टेनिस 16% सिलेक्शन, खास इंपॉर्टेंस नहीं होने वाला है, मैं तो ड्रॉप करके चलने वाला हूं। निकोलस पुरान 89% सिलेक्शन, 32-11 ठीक ठाक है, टीम में शामिल करके रखो, कैप्टन वाइस कैप्टन से अपने साइड से ट्राई नहीं करूंगा। आयुष बदोनी की अगर बात करेंगे तो बढ़िया खिलाड़ी है, टीम में शामिल करके रखो, कैप्टन वाइस कैप्टन से अपने साइड से ट्राई नहीं करूंगा। अमित मिश्रा थोड़ा अच्छा बॉलर है, विकेट अच्छा खासा निकाल लेता है, तो टीम में शामिल करके रखो। अमित मिश्रा की अगर बात करेंगे, अमित मिश्रा वो जे ऑन द कट, 0 विकेट 0 विकेट खास इंपॉर्टेंस नहीं होने वाला। रवि बिश्नोई एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस होगा, 3 विकेट 1 विकेट। रवि बिश्नोई को आप अपने टीम में शामिल करके रख सकते हो, क्योंकि विकेट टेकर एज ए स्पिनर बॉलर है, तो टीम में शामिल करके रखो जरूर। फिर यश ठाकुर देखने को मिल जाएगा, खास इंपॉर्टेंस मुझे नहीं लगता, 0 विकेट 1 विकेट, तो आप मैं अपने साइड से प्रेफर उतना खास तरीके से नहीं करूंगा। मार्कुट नेक्स्ट मैच में अवेलेबल होने वाला है, मार्कुट राइट आर्म फर्स्ट, 5 विकेट 3 विकेट, बढ़िया खिलाड़ी है, टीम में शामिल करके रखो, कैप्टन वाइस कैप्टन से अपने साइड से प्रोवाइड नहीं करूंगा। अच्छा बॉलिंग डाल लेते हैं और इसके पास गति भी है वो जो बैट्समैन को थोड़ा सा हिला सके, तो विकेट मिल सकता है, टीम में शामिल करके रख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जैसे बात करेंगे, आपको पहले ही देखने को मिल जाएगा इस ग्राउंड का हेड टू हेड में टोटल 2 मैच हुआ है, 1 भी नहीं जीता है। अभी देखेंगे कि केएल राहुल का आरसीबी के अगेंस्ट में टोटल 13 मैच में 610 रन है, एवरेज 65 का है, 17 मैच में 413 है एवरेज जिसका है इस ग्राउंड पर, यानी कि राहुल का परफॉर्मेंस अच्छा है दोनों तरफा, तो राहुल एक अच्छा खासा पिक बन जाएगा। दीपक हुडा 14 मैच में 13 रन के साथ 1 विकेट 5 मैच में 10 रन, यानी कि दीपक हुडा का परफॉर्मेंस नहीं है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ दीपक हुडा थोड़ा सा ट्रंप होने वाला है, परफॉर्मेंस नहीं है इसी वजह से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्राउंड छोटा है, अच्छा पिटाई हो सकता है। कुणाल पांड्या 14 मैच में 153 रन के साथ 12 विकेट 7 मैच में 110 के साथ 2 विकेट इस ग्राउंड पर, ठीक ठाक है, टीम में शामिल करके रखो, कैप्टन वाइस कैप्टनसी प्रोवाइड नहीं करूंगा। निकोलस पुरन ने 8 मैच में 91 रन मारा है आरसीबी के अगेंस्ट में और 1 मैच में 46 रन मारा है इस ग्राउंड पर, यानी कि इस ग्राउंड पर थोड़ा सा चलने का चांस दिखाई दे रहा है। क्विंटन डिका 11 मैच में 371 रन मारा है इस ग्राउंड पर, यानी कि आरसीबी के अगेंस्ट में, और 12 मैच में 463 मारा है इस ग्राउंड पर, यानी कि दोनों तरफा जो है लगभग एवरेज निकालने के लिए जाओगे तो यहाँ पर जो एवरेज जो है डिकॉक का यहाँ पर निकल जाएगा आपका 37 का एवरेज लगभग, और यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा लगभग 40 का एवरेज 40-45 का एवरेज, तो कहीं ना कहीं क्विंटन डिका एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा एज ए कैप्टन वाइस कैप्टनसी। के मिश्रा की अगर बात करें तो 17 मैच में 16 विकेट 7 मैच में 5 विकेट इस ग्राउंड पर, के मेयर्स का ग्राउंड आरसीबी के अगेंस्ट में मैच नहीं है इस ग्राउंड पर, 1 मैच में 0 विकेट। रवि बिश्नोई 6 मैच में 6 विकेट निकाला आरसीबी के अगेंस्ट में और 2 मैच में 5 विकेट निकाला इस ग्राउंड पे, तो इसी वजह से मैं बोल रहा था कि रवि बिश्नोई एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस पिक बन सकता है, टीम में शामिल करके रख सकते हो। मार्कुट आरसीबी के अगेंस्ट में मैच नहीं है, ग्राउंड में मैच नहीं है। जयदेव उनकट ने 10 मैच में 11 मैच में 10 विकेट निकाला आरसीबी के अगेंस्ट में और 14 मैच में 13 विकेट निकाला इस ग्राउंड पर, यानी कि हाँ एक आध करके विकेट मिल जाता है। अभी चलो हम लोग सीधा देख लेंगे कि प्लेयर बैटल क्या होने वाला है इन दोनों के बीच। जो जैसे ही हम लोग इस दोनों के बीच प्लेयर बैटल देखेंगे, आपको पहले ही देखने को मिल जाएगा अमित मिश्रा, कुणाल पांड्या और डेनियल सैम्स ने तीनों मिलकर मैक्सवेल का आउट किया, कितना गेंदों पर, कितना बार, 34 गेंदों पर 66 रन दिया, 5 बार विकेट निकाला अमित मिश्रा ने। कुणाल पांड्या ने 35 गेंदों पर 42 रन दिया, 3 बार विकेट निकाला। डेनियल सैम्स ने 33 गेंदों पर 45 रन दिया, 2 बार विकेट निकाला, यानी कि लगभग हर किसी के सामने स्ट्रगल करता हूँ वह अपना ग्लेन मैक्सवेल। तो ग्लेन मैक्सवेल को इस दौरान जो है आप ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लेन मैक्सवेल नेक्स्ट मैच में फिनिशर के हिसाब से आएगा और अच्छा खासा स्कोर करके दे सकता है अगर विकेट गिरता है तो। विराट कोहली को आवेश खान एंड अमित मिश्रा दोनों मिलकर आउट किया है। आवेश खान ने 10 गेंदों पर 5 रन दिया, 2 बार विकेट निकाला। तब की बार क्या हो रहा था कि विराट कोहली का उतना खास तरीके से फॉर्म नहीं चल रहा था, तो इसी वजह से विकेट निकाल लिया। इसका मतलब अभी भी निकाल लेगा ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि विराट कोहली अभी अपना करंट मतलब इलेक्ट्रिक का फॉर्म में है, मतलब जितना तेजी से लाइट जाता है उतना तेजी से उसका स्कोर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली अच्छा खासा फॉर्म इस ग्राउंड पर दे सकता है। अमित मिश्रा 104 गेंदों पर 175 रन खाया, 2 बार विकेट निकाला, तो अमित मिश्रा के सामने बहुत ही बढ़िया तरीके से खेलता वो विराट कोहली। कार्तिक को अमित मिश्रा कुणाल पांड्या दोनों ने आउट किया, 57 गेंदों पर 80 रन दिया, 2 बार विकेट निकाला, किसने, कार्तिक ने, और यहां पर कुणाल पांड्या को 28 गेंदों पर 24 रन मारा, 2 बार विकेट निकाला। तो कुणाल पांड्या के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ, लेकिन अमित मिश्रा को अच्छे तरीके से खेलता हुआ। डुप्लीसिस को उंदकट और नवीन उलॉक दोनों मिलकर विकेट निकाला, किसने कितना बार निकाला, उंदकट ने 27 गेंदों पर 52 रन दिया, 2 बार विकेट निकाला, नवीन उल ने 15 गेंदों पर 22 दिया, 2 बार निकाला। तो यहाँ पर नवीन उल के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ, लेकिन उंदकट का पिटाई देख रहा हूँ 27 गेंदों पर 52 रन, 200 का स्ट्राइक रेट से खेल रहा है डुप्लीसिस, तो ये समझ जाऊँ। अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है देखेंगे कि अभी
लखनऊ का बैट्समैन और आरसीबी का बॉलर कैसा परफॉर्मेंस किया, तो जैसे ही देखेंगे आपको पहले ही देखने को मिल जाए यहाँ पर से कुणाल पांड्या, मोहम्मद सिराज, मैक्सवेल दोनों ने आउट किया। 21 गेंदों पर 17 रन दिया, दो बार विकेट निकाला मोहम्मद सिराज ने। मोहम्मद सिराज के सामने स्ट्रगल करता हुआ कुणाल पांड्या, ग्लेन मैक्सवेल के सामने 17 गेंदों पर 14 रन दो बार विकेट निकाला, यानी कि दोनों के सामने स्ट्रगल करता हुआ कुणाल पांड्या। क्विंटन डिकॉक के सामने आर टोपली, मोहम्मद सिराज और करण शर्मा तीनों मिलकर किसका विकेट निकाला, क्विंटन डिकॉक का। विकेट देखेंगे तो 10 गेंदों पर 8 रन दिया, दो बार विकेट निकाला। टोपली के सामने स्ट्रगल करता हुआ डिकॉक, सिराज के सामने 21 गेंदों पर 23 रन दिया, दो बार विकेट निकाला। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता हुआ क्विंटन डिकॉक, सिराज के सामने। करण शर्मा जो है 9 गेंदों पर 15 रन दिया, दो बार विकेट निकाला, यानी कि यहाँ पर भी थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ, यानी कि क्विंटन डिकॉक जो है मोहम्मद सिराज के सामने, टोपली के सामने, करण शर्मा के सामने। फिलहाल के लिए टोपली तो नहीं है क्योंकि टोपली जो है बाहर हो चुका है मैच से, लेकिन सिराज और शर्मा के सामने विकेट देता हुआ। अब देखना ये पड़ेगा कि डिकॉक सिराज के साथ जाता है कि नहीं। स्टोइनिस का देखेंगे तो हर्षल पटेल के सामने मार्कर स्टोइनिस 10 गेंदों पर 9 रन दिया, दो बार विकेट निकाला। हर्षल पटेल स्टोइनिस को ऐसे भी स्टोइनिस इंपॉर्टेंस ही नहीं देता। करण शर्मा ने हुडा को 9 गेंदों पर 10 रन दिया, दो बार विकेट निकाला। करण शर्मा देख लो कितना बार करण शर्मा आ रहा है, करण शर्मा भाई, करण शर्मा विकेट लेने ही वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना। सेवाज अहमद राहुल को 31 गेंदों पर 33 दिया, एक बार विकेट निकाला। यहाँ पर भी खास मुझे नज़र नहीं आ रहा सेवाज अहमद। अभी हम लोग चलेंगे बेस्ट कैप्टन, वाइस कैप्टनसी और ओपनिंग और डेथ बॉलर देख लेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर आएंगे आपको ओपनिंग पर लखनऊ सुपर जायंट्स का देखेंगे। पावर प्ले का लखनऊ सुपर जायंट्स का जो बॉलर होने वाला है काइली मेयर्स, जय उनकाट और कुणाल पांडे, ये तीन बॉलर जो है पावर प्ले बॉलिंग होने वाला है। और डेथ बॉलर जो होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स का मार्क वुड, आवेश खान और जय उनकाट, ये तीन बॉलर जो है लखनऊ का डेथ बॉलिंग हो सकता है। और हाँ, मार्कर स्टोइनिस जो है एक आध ओवर बॉलिंग कर सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बेंगलोर की तरफ से मोहम्मद सिराज, डेविड विली, एम्ब्रेस ओली, ये तीनों बॉलर जो है पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करता हुआ दिखेगा। डेथ में जो है हर्षल पटेल, सिराज और डेविड विली, ये तीन प्लेयर जो है आपको डेथ में बॉलिंग करता हुआ दिखने को मिल जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर से, यानी कि कहाँ पर से, समझ ही रहे हो, कैप्टन वाइस कैप्टनसी जो बेस्ट होने वाला है वो पहला हो जाएगा अपना विराट कोहली, ठीक है। पहला हो जाएगा अपना कौन, विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस, एम्ब्रेस ओली, ये तीनों प्लेयर जो है आरसीबी की तरफ से बेस्ट होने वाला है कैप्टन वाइस कैप्टनसी। अभी देखेंगे लखनऊ की तरफ से कौन कौन से होने वाले हैं, काइली मेयर्स, केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक, ये तीन प्लेयर जो है कहाँ से होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। अब एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आप इसके ऊपर भी एक दो प्लेयर ले सकते हो, वो कौन है मैं बता देता हूँ। पहला तो है अपना दीपक हुडा जो है अपना कहाँ से, दीपक हुडा लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। और इसके तरफ से क्या नाम है, आरसीबी की तरफ से आप और एक प्लेयर ले सकते हो जिसका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। ये कुछ 8 प्लेयर है जिनको आप अपना टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन से ट्राई कर सकते हो। अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, हम लोगों का टीम कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। विकेट कीपिंग में पुरन एंड क्विंटन डिकॉक होने वाला है। बैटिंग में हम लोगों ने विराट, फैफ डु प्लेसिस, केएल राहुल। ऑलराउंडर में होने वाला है के मेयर्स, कुणाल पांड्या, एम्ब्रेस ओली। और बॉलिंग में होने वाले मोहम्मद सिराज, मार्कुड एंड रवि बिश्नोई। आप अगर चाहो तो यहाँ पर जो कुणाल पांड्या है, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहो तो ब्रेस ओइल की जगह पर आप यहाँ पर जो है करण शर्मा को ले सकते हो, अगर रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है। अभी इस टीम में कैप्टन वाइस कैप्टनसी सिलेक्शन करना कौन बेस्ट होगा मैं बता देता हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस, काइली मेयर्स, यहाँ पर से केएल राहुल एक, और अगर कोई है यहाँ पर से कुछ खास मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये तीन प्लेयर जो है, चार प्लेयर जो है, इन चारों में से आप कैप्टन वाइस कैप्टनसी रोटेट कर सकते हो। लेकिन फिर भी जो है फुल एंड फाइनल टीम है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। अभी जो फिलहाल के लिए हम लोग ग्रैंड लीग का थोड़ा टीम कॉम्बिनेशन देख लेंगे, लेकिन ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन और है नहीं क्योंकि फुल एंड फाइनल स्मॉल लीग का टीम मैंने यहाँ पर देखा रखा है। और ग्रैंड लीग का जो टीम कॉम्बिनेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देखा रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पर। और जाते जाते एक ही चीज़ बोलूंगा, वीडियो कैसा लगा है जरूर से जरूर लाइक एंड कमेंट करते हुए बताते हुए जाना, यानी कि कमेंट करते हुए बताते हुए जाना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए, क्योंकि वो है हर रोज होता है अपने पास। और एक चीज भाई, माई मास्टर 11 का डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि भाई मुनाफा करना है तो माई मास्टर ही आपको देगा। तो देर ना करते जल्दी जाओ, माई मास्टर को डाउनलोड कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट मतलब डिस्क्रिप्शन पर देकर रखा है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।